नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ महानगर की बात करी जाए तो यहां सड़कों पर अक्सर कूड़े के ढेर देख सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको मेरठ महानगर में कूड़े के ढेर लगने जैसी बातों को दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। मेरठ के एक नौजवान ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेरठ शहर को कूड़े से निजात पाने के लिए एक हल निकाल लिया है, क्योंकि मेरठ शहर के लोगों को कूड़े से बनी बिजली इस्तेमाल करने को मिलेगी। शायद आपको सुनकर अजीब लगेगा, मगर मेरठ में अब कूड़े से बिजली बनने का बहुत ही जल्द प्लांट बनने जा रहा है। कूड़ा निस्तारण केंद्र यहां पर लगाया जा रहा है, इससे कितने बेनिफिट किस किस लोगों को मिलेगा? सबसे पहले तो ये कूड़े का निस्तारण ही अपने आप में बड़ा समाधान है। आप शहर में देखते होंगे कूड़े के पहाड़ जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, उनका समाधान अब तक कुछ नहीं होता। बता दो पहले भाई कैसे कहेंगे? पूरी तरह निस्तारण हो जाएगा, यानी कि डिस्पोजल जिसे कहते हैं प्लास्टिक का, वो पूरा डिस्पोज होगा। पॉल्यूशन उसका कोई इनका पॉल्यूशन नहीं होगा उसके अंदर। इस प्लांट को कब तक चलने की संभावना? जनवरी के अंत तक हम इसे चालू करेंगे। यहाँ तक क्या क्या मटेरियल ऐसा मिलेगा, जो वेस्टेज है वो कहाँ जाएगा, और इसकी जो गैस है वो उससे क्षेत्रीय लोगों को कोई नुकसान की तो संभावना नहीं? गैस में कोई नुकसान नहीं होता, यहाँ तक कि जो डीजल जेनसेट होते हैं उससे भी कम उत्सर्जन होता है इसके अंदर। जैसे आप गैस जेनसेट होते हैं ना, वही उत्सर्जन इसके अंदर होता है, क्या पॉल्यूशन इसके अंदर। उसके लिए कंट्रोल के लिए सभी समाधान हमारे पास है। कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ पर लग रहा है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया अभी? कूड़े का निस्तारण हो सकेगा ये मेरठ में एक सपना था। मैं आभारी हूँ चौधरी विजेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने इस सपने को साकार करने की परिस्थिति पैदा की है। इससे प्रतिदिन जो बिजली बनेगी और जितना कूड़ा निस्तारण होगा, इसकी उपयोगिता एक बार चलने के बाद साबित होगी, और जब उपयोगिता साबित हो जाएगी तब इसके बाद इसी गावड़ी जैसे ऐसे 5 और 6 सेपरेटर प्लांट लगाकर और इस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाकर साल 2 साल में स्थिति आ जाएगी कि मेरठ में कूड़ा देखने को नसीब नहीं होगा, और हो सकता है कि कूड़े पर लड़ाई भी शुरू हो जाए। अगर हम इस प्लांट की बात करें तो यहाँ पर कितनी बिजली पैदा होगी और वो कहाँ उसको उपयोग किया? फिलहाल 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर